Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. इस वक्त इस्लामाबाद में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो रिस्पांस आना चाहिए है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से, आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कोई बड़ी देर की, कोई सियालकोट के चेम्बर के अंदर बात की है, कोई बात ही नहीं की लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। पाकिस्तानियों की जानें कुर्बान हुई हैं और उसके ऊपर कोई बात ही नहीं की। और इससे इसलिए मैं, जब ये शुरू में ही हुआ था पैनमा का, तो तभी मैंने कहा था कि नवाज शरीफ को इस्तीफा देना चाहिए और किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर इसको इस्तीफा दे देना चाहिए था। जब पैनमा की लीक्स हुई और जब ये जवाब नहीं दे सका तो इसको इस्तीफा देना चाहिए था। और उसकी वजह यह है कि जब तब से अब तक, सिवाय इसके के प्राइम मिनिस्टर और इसकी कैबिनेट के सीनियर मेंबर्स, इसकी गवर्नमेंट, सिवाय इनकी करप्शन छुपाने, सिवाय इसके के ये जो पैनमा की लीक्स है इसका डैमेज कंट्रोल करने में, इनको कोई फिक्र ही नहीं है मुल्क में क्या हो रहा है। कोई मुल्क में हर किस्म की, माशी तौर पे किसानों का हाल देख लें, यानी जो आज मुल्क के हालात हैं, सिवाय इसके कि इनकी इसकी किसी तरह करप्शन बच जाए, इनको कोई मुल्क का जो आज हालात है इनको कोई फिक्र नहीं है। और वो ये जो हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, ये एक आपके सामने एक 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 उसका एक उसकी एक एविडेंस है, मिसाल है कि कोई फिक्र ही नहीं है। बात ही नहीं, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों की जान गई है। जो आज कंक्लूड हुआ है नवाज शरीफ की, ये पांचवीं दफा इनको मौका मिला गया, जो आज सुप्रीम कोर्ट में आखिरी बात की नवाज शरीफ के वकील ने। पहले इन्होंने पब्लिक से खिताब किया, फिर इन्होंने पार्लियामेंट के आके नवाज शरीफ ने सफाई पेश की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहला गए, जो पहला बेंच बैठा, फिर दूसरा बेंच बैठा, फिर JIT आई। ये पांच मौके मिले थे कि प्राइम मिनिस्टर सच सच बता दे कि जब इनकी प्रॉपर्टी डिस्कवर हुई, जो इन्होंने तस्लीम की कि हमारी प्रॉपर्टी है, जो तब तक नहीं तस्लीम की थी जब तक पैनमा के अंदर इंकशाफ नहीं हुआ, तो जब इन्होंने प्रॉपर्टी इन्होंने तस्लीम कर ली हमारी है, तो इन्होंने सिर्फ ये बताना था कि जनाब किधर से पैसा आया प्रॉपर्टी खरीदने के लिए और पैसा मुल्क से बाहर कैसे गया, मनी ट्रेल जैसे कहते हैं। अब ये सवा साल हो गया, पांच मौके मिल गए हैं, सिवाय झूठ के कुछ नहीं कहा, हर मौके पे झूठ बोला है, हर जगह कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, हर जो बात ये कहते थे बच्चे कॉन्ट्रडिक्ट कर जाते थे। और अब जो फाइनल एविडेंस आई है सामने, आज भी नवाज शरीफ क्या कह रहे हैं सियालकोट के उसमें जो बार था उसमें क्या कह रहे हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स में कि जनाब मेरा कसूर क्या है। मैं नवाज शरीफ को कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ आपका कसूर पता है क्या है? कहते जी मेरे ऊपर कोई करप्शन नहीं साबित हुई। आपको पता है कि ये JIT की रिपोर्ट के बाद क्या चीज सामने आई है? हम भी पहले समझते थे कि नवाज शरीफ का कोई कारोबार होता है, हम भी समझते थे कि जी बड़े बिजनेसमैन हैं। अब पता चला है कि बिजनेस है क्या, इनकी बिजनेस ही करप्शन है। नवाज शरीफ कहता है ना जी मेरा कसूर क्या, कोई करप्शन नहीं साबित हुई। साबित ये हुई है कि ये सिर्फ करप्शन कर रहे थे बिजनेस के बहाने। ये जो इनकी कंपनीज बनी हुई थी, पता चला है कि ये जो कंपनीज हैं इनमें पैसा नहीं बनता। ये कंपनीज बनाई हुई हैं, एक फ्रंट रखा हुआ है यहां से करप्शन का पैसा रिसाइकल करने के लिए। ये पहले तो इन्होंने शुरू किया इत्तेफाक फाउंड्री से। इत्तेफाक फाउंड्री की आप डिटेल्स देख लें, वो और बात है कि अब वो इसहाक डार के नीचे FBR नए कागजात ना बना दे, क्योंकि अब नए नए कागजात बन जाते हैं, लेकिन जो हमने कागजात देखे हैं वो थोड़ा थोड़ा नफा करती थी जब तक नवाज शरीफ 1985 में चीफ मिनिस्टर नहीं बना। जब से वो चीफ मिनिस्टर बना है इत्तेफाक फाउंड्री नुकसान करने में चली गई, और वो फाउंड्री नुकसान कर रही है और वो बच्चे देती जा रही है, नई फैक्ट्रियां बनती जा रही हैं।
92 93 तक कोई 28 फैक्ट्रियां बन गई, 30 फैक्ट्रियां बन गई, एक फाउंड्री जो नुकसान कर रही थी, बैंकों से कर्जे लिए वहां डिफॉल्ट हो गए, इलेक्शन लड़ लिया इन्होंने 2013 में जब कोई अरबों रुपए का इनका डिफॉल्ट था, दोनों भाई लड़ गया, जबकि 20 लाख रुपए का डिफॉल्ट आप इलेक्शन ही लड़ सकते थे। उसके बाद अब जो पता चला है कि इनकी कोई 10 कंपनियां थी इंग्लैंड में और कोई ऑफशोर कंपनीज, वो सारी नुकसान में थी, यानी उनमें पैसा नहीं बन रहा था, कोई 10 मिलियन पाउंड का नुकसान कर रही थी, तो वो उनमें कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा था, लेकिन इनकी जायदादें बढ़ती जा रही थी, बच्चों की प्रॉपर्टीज बढ़ती जा रही थी। वो हसन नवाज 650 करोड़ रुपए के घर में रह रहा है और वो नुकसान कर रही है इनकी सारी जो कंपनीज हैं। इससे क्या चीज साबित होती है? ये हो गया, अब सब पिक्चर आ गई आवाम के सामने। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करो, जिसकी आज नवाज शरीफ कह रहे कि जी मैं डेवलपमेंट कर रहा था, ये डेवलपमेंट का मुल्क को कितना फायदा हुआ, नुकसान हुआ? लेकिन शरीफ खानदान को बहुत फायदा हुआ इस डेवलपमेंट का। बड़े प्रोजेक्ट्स करो, मोटरवे बनाओ, उसमें से बड़ा खांचा निकालो, वो बाहर कंपनीज में चला जाए। उस येलो कैप स्कीम, बड़ा प्रोजेक्ट करो, उसमें से पैसे निकाल के बाहर, मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट से पैसे निकालो, बाहर बेटे बिठाए हुए उधर अपने बाहर, इसहाक डार ने 2 बेटे बिठाए हैं वहां दुबई में, ये सारा साइकिलिंग करते रहो, कंपनीज फ्रंट कंपनीज खोली हुई है, यहां से पैसा बाहर भेजते रहो। इनका कारोबार ही करप्शन था, ये कंपनीज बनाई हुई थी, जो बिजनेस है ये एक फसाद था, कि ये जी हमारे बहुत बड़े हम बिजनेसमैन हैं। इनकी सारी आप बिजनेसेस, आप जब भी कभी इनकी तफ्तीश होगी इनकी बिजनेसेस, इनकी शुगर मिल, चौधरी शुगर मिल, पता चला जी वो भी मनी लॉन्ड्रिंग की एक फ्रंट था, फिर हुदैबा पेपर मिल, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनाई हुई थी। ये सारी चीजें अब सामने आ चुकी हैं, और नवाज शरीफ से जब पूछते हैं लोग, जी मेरा कसूर ही कोई नहीं है, मैंने कुछ गलती नहीं की, मैं JIT में जाके मेरे सवाल थे, JIT में नवाज शरीफ आपने जवाब देने थे, जिस तरह ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि JIT सिर्फ बनी थी मजीद आप अपनी सफाई पेश करें, जो आप सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं कर सके, वो मौका दिया था इन्हें, तो वो बजाय मौके का फायदा उठाने आज आपके सामने आ गया है कि नवाज शरीफ के पास कुछ कहने के लिए नहीं है। जो चीजें कहीं झूठ बोली, हम जब सुप्रीम कोर्ट में थे, हमने कहा गल्फ स्टील जो ये कहते हैं कि जिससे सारा पैसा बन के और फिर वो कतरी को दिया और कतरी ने फिर बेटों को भी पैसा दे दिया जो अरबोंपति बन गए, अल तौफीक के भी अरबों रुपए के वो कर्जा वापस कर दिया, लंदन फ्लैट्स भी कतरी ने दे दिए, हम तब ही कह रहे थे कि गल्फ स्टील में तो पैसा ही नहीं था, वो तो नुकसान में थी, वो साबित हो गई है। हम कह रहे थे कतरी फ्रॉड है, वो साबित हो गया। हमने कहा कि मरियम नवाज बेनिफिशियर असल मालिका हैं 2 कंपनीज की, जिनकी 4 मेफेयर के महलात हैं, वो भी साबित हो गया, वो वहां की उनकी FIA ने कंफर्म कर दिया है कि ये वाकई असल मालिका हैं। हमने कहा जो इन्होंने ट्रस्ट डीड बनाई थी हसन नवाज और मरियम नवाज में, वो फ्रॉडलेंट है, वो भी साबित हो गई। तो अब जब इनके लोगों ने कहा जी ये इमरान नामा है, JIT नहीं है, मतलब उनका कहने का कि जो हम अदालत में कह रहे थे वो सारा साबित हो गया और जो जो ये कह रहे थे सारा झूठ हो गया। एक चीज इनकी अभी तक सच नहीं निकली, जितनी भी इन्होंने चीजें सामने लाई सारी साबित हो गई हैं कि फ्रॉड थी। अब इनको मौका मिला था, अब आपके सामने जो कि सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। मैं अभी भी नवाज शरीफ को कहता हूं, आपके पास वक्त है, इस्तीफा दे दे, मुल्क सारा स्टैंड स्टिल पे है। ये जो आप बार बार लोग कहते हैं जी डेवलपमेंट रुक जाएगी, कभी भी मुल्क के इतने बुरे हालात नहीं थे, कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना कर्जा नहीं लिया गया, कभी इतना बड़ा डेफिसिट नहीं था, वो भी छुपा रहे हैं, वो भी जो इसहाक डार हैं। दूसरा एक चीज ये साबित हो गई है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कौन मैन है इसहाक डार, वो सारा ये काम करता था इनके लिए, वो बैठ के सारा जो कि उसका एफिडेविट है और जो जिसके ऊपर बातचीत हो रही है और मजीद कल होगी, जिसमें उसने कहा है कि मैं इनका पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करता था, जिन जरिए के लोगों के जरिए करता था उनको इसने अहम ओहदे दे दिया है। वो आदमी था जो इनका
जो शुरू से इनका इसको कहते हैं बैगेज मैन, ये इनके पैसे यहाँ से देखे, ब्लैक का पैसा व्हाइट करता था, इसने इनको मनी लॉन्ड्रिंग सिखाई थी और उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, जो अभी भी फिगर्स जो डेफिसिट की फिगर्स है वो भी चेंज करता है बजट के अंदर, उसकी हम फिगर्स वो नहीं मानते, उसका सिर्फ काम है जगलरी। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स देख ले, तारीख में कभी इतना बड़ा ट्रेड गैप नहीं है, एक्सपोर्ट्स इतनी कम नहीं हुई। आप फिस्कल डेफिसिट, किसानों का हाल देख लें, एक्सपोर्टर्स का हाल देख लें, इस वक्त पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो तो कभी इतने बुरे थे ही नहीं। और नवाज शरीफ कह रहा है कि जी मेरे रास्ते में रुकावट आ गई, मैं तो बड़ी तरक्की कर रहा था। तरक्की सिर्फ शरीफ खानदान के असासों में हो रही थी, इनके नए नए घर बन रहे हैं, इनकी अभी जिस तरह शहबाज शरीफ तीन और मजीद, अभी काफी नहीं है, तीन और शुगर मिल लगाने लगा था जो कि हाईकोर्ट ने रोका है, कॉटन ग्रोइंग एरियाज में जिधर शुगर मिल लगा नहीं सकते। शरीफ शहबाज शरीफ ने शहबाज शरीफ के खानदान को इजाजत दे दी उस जगह पे मिल लगाने के लिए जिन्हें इजाजत नहीं है, इसको करप्शन नहीं तो और क्या कहते हैं। तो बार बार कहते हैं जी हमारा कसूर क्या है, हमने गलती क्या की है। जो चीजें सामने आ रही हैं, मैं फिर से कहता हूं, जो चीजें सामने आ रही हैं, इनका कारोबार ही करप्शन था, ये था ही सब कुछ करप्शन का, ये फैक्ट्रियां तो फ्रंट थी सिर्फ करप्शन के लिए, हुदायबा पेपर मिल वगैरह वगैरह ये सिर्फ फ्रंट थी। मैं जो अगली बात करना चाहता हूँ वो ये कि जो पाकिस्तान के वकला ने सब ने फैसला किया कि नवाज शरीफ के इस्तीफे को डिमांड करना, लीगल कम्युनिटी ने, पाकिस्तान बार काउंसिल ने, बार्स ने, सुप्रीम कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के, और अभी हमें पता चला हैदराबाद के भी, जो ये वकील कर रहे हैं, देखे ना आम लोगों को तो शायद केस में ये उलझाया हुआ है इधर उधर की बातें करके, लेकिन जो वकील हैं, जो कानूनी, जो कानून समझते हैं, वो सब इस फैसले पे आ गए हैं कि ये अब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकता। तो मैं उनका वैसे शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि उन्होंने इस मूवमेंट में निकले हैं, इस मुल्क के अंदर ये जो मूवमेंट है रूल ऑफ लॉ की और ये करप्शन के खिलाफ। और मैं आखिर में इलेक्शन कमीशन के मुतालिक सिर्फ, जो आज हमारी कमेटी थी डॉक्टर आरिफ अलवी की, जो हमारी कमेटी इलेक्शन कमीशन में थी, हमारे बड़े सख्त रिजर्वेशंस हैं। ये जो हमने कोशिश की कि बैठ के पार्लियामेंट्री कमेटी थी इसके अंदर हम अपनी बात कर सकें कि अगला इलेक्शन ठीक हो, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज हमारे जो नुमाइंदे थे वॉकआउट किया इन्होंने। चार चीज़ें हैं जो इलेक्शन कमीशन को हम डिमांड करते हैं कि ये इलेक्शन इन चार चीज़ों के बगैर ना करवाया जाए। नंबर वन, ओवरसीज पाकिस्तानी इस मुल्क में 19 से 20 अरब डॉलर भेजते हैं, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा असास है, उनका हक क्या कि उनको वोटिंग राइट होना चाहिए, उनको शिरकत करनी चाहिए इलेक्शन में। और अभी तक ना पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर कोई एक्टिविटी हुई है, हालांकि हमें कहा भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसके अंदर देखा जाए कि कैसे ये वोट कर सकते हैं। तो हमें बड़ा सख्त रिजर्वेशन है कि मेरे ख्याल में इसलिए इनको शायद खौफ है, क्योंकि इनको डर है कि तहरीक इंसाफ के लिए शायद वोट कर दें, इसलिए कोई इन्होंने कुछ नहीं किया, जबकि बुनियादी राइट है उन लोगों का जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। नंबर टू, हमें सख्त रिजर्वेशंस हैं इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इस इलेक्शन कमीशन 22 पार्टीज ने 2013 के इलेक्शन में कहा कि धांधली हुई है, उसके बाद जुडिशियल कमीशन बैठी, जुडिशियल कमीशन ने 40 फाइंडिंग दी कि या ये इनको इस्लाहत करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। उस फाइंडिंग्स में एक ये था कि 35% फॉर्म 15 मिसिंग थे, 2.5 करोड़ बैलेट मिसिंग था, और अभी तक कोई इन्होंने किसी को सुना तक नहीं दी, यानी जो 40 फाइंडिंग कोई हमें पता नहीं, कोई इस्लाहत नहीं की, तो हमें क्या कॉन्फिडेंस है कि ये लोग फिर इलेक्शन करवाएंगे। और जो बाय इलेक्शंस आप उठा के देख रहे हैं, आप पूछें लोगों से कि जो बाय इलेक्शंस हुए हैं हर जगह लोग कंप्लेन, पीटीआई की बात नहीं कर रहा, बाकी पार्टी जो हारता है वो कंप्लेन करता है कि इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हुआ। तो क्या ऐसी इलेक्शन कमीशन नहीं होनी चाहिए जिसको सबको एतमाद हो, यानी कि गवर्नमेंट को एतमाद हो,
जो सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अंपायरों के ऊपर एतमाद होना चाहिए। ये आप कैसे कर सकते हैं कि बाकी गवर्नमेंट खुश हो, दो पार्टीज ने मिलकर इलेक्शन कमीशन बना ली, बाकी जो जमातें हैं उनको एतमाद ही नहीं है उसके ऊपर। और मैं आपको ये भी बताऊं कि पीपल्स पार्टी अगर मान भी गए उनको पंजाब की इलेक्शन कमीशन पर एतमाद दी, नून लीग को सिंध की इलेक्शन कमीशन पर एतमाद दी है। तो इलेक्शन कमीशन ऐसी होनी चाहिए, अंपायर ऐसे होने चाहिए कि सारे खिलाड़ियों को जो भी मैच खेलने जा रहा है उसको एतमाद हो उसके ऊपर। तो हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए, ऐसी इलेक्शन कमीशन बनाए जिसको सबको कॉन्फिडेंस हो। तीसरी चीज, हमें बड़ा खदशा है कि लास्ट टाइम जो पंजाब के अंदर खास तौर पे हमें हुआ कि इन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट ऐसी बनाई जिसके ऊपर जब बात इलेक्शन हो गया तो खुद नजम सेठी ने कहा कि इलेक्शन से 9 दिन पहले सारी अथॉरिटी मेरे से चली गई थी मॉडल टाउन यानी कि शरीफ बरादरान के पास। तो अगर केयर टेकर का तो मतलब ही है कि वो न्यूट्रल केयर टेकर हो, अगर वो सारी अथॉरिटी वहाँ चली गई थी और सारी ब्यूरोक्रेसी उनसे सुन रही थी तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हो सकता है। लिहाजा हम समझते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट चूज करने के लिए जो इलेक्शन करवाए सारी पार्टीज ऑन बोर्ड हो, सिर्फ ये ना हो कि आपस में मुख मुकाओ दो पार्टीज करें, सारी पार्टीज ऑन बोर्ड हो। और फाइनली जी आखिरी कि हम ये कहते हैं कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन हो, बायोमेट्रिक सिस्टम लेके आए, ये कोई इतना ज्यादा महंगा नहीं है, इससे वेरीफाई हो जाएगा ये जो ठप्पे लगाते हैं। मैंने बल्कि ट्वीट भी किया कि लोग ठप्पे लगा रहे हैं पोलिंग बूथ में बैठ के, अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो इसमें से ये चीज़ चली जाएगी। हम ये चार चीज़ें डिमांड करते हैं कि ये इलेक्शन करवाने से पहले ये चार चीज़ें करें। हाँ सर, ये बताइएगा कि आपने अभी कहा कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हुआ तो इलेक्शन में नहीं जाएंगे। ये नहीं कहा। हमने कहा हम डिमांड कर रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए। एक मिनट सर, मैं फिर से कह दूँ, 2013 के इलेक्शन में 22 जमातों ने कहा इलेक्शन में धांधली हुई है, यानी सारों ने कहा। हम ये कह रहे हैं कि ये पहली इलेक्शन इस तरह की करवाई जाए कि इलेक्शन से पहले सब मुतमईन हो जाएं रूल्स ऑफ द गेम अंपायरों के ऊपर। ये अभी तक 1970 के अलावा कोई इलेक्शन भी नहीं हुई जो मुतनाज़ा नहीं हुई। हम कह रहे हैं कि ये इलेक्शन पहले से तैयारी करके जाए, बाद में कोई शोर ना मचाए के धांधली हुई है। ये जो मैं आपको कह रहा हूँ चार, ये बड़े आसानी से कोई करना चाहे ये चार पॉइंट्स कितना मुश्किल है करने के। आप तमाम बातों के बावजूद हुकूमत या शरीफ फैमिली कस मस नहीं हो रही और कोई भी तैयार नहीं है, और ये बताएं कि नून लीग के कितने लोगों ने आपके साथ अभी तक रहा। नून लीग के कितने लोगों ने, वो मैं अब उनको पर्दा ही रखता हूँ इस चीज के ऊपर। लेकिन ये आपने कहा जी कि इनको शरीफ खानदान को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो सारी ये याद रखें जी कि ये जमहूरियत जो होती है ना, ये जमहूरियत में इखलाकी कुव्वत सब कुछ होती है, डिक्टेटरशिप में जिस्मानी कुव्वत होती है, बंदूकों की कुव्वत होती है। इसलिए सारी जमहूरियत के अंदर जो जेन्युइन डेमोक्रेसीज हैं, जब कोई इखलाकी कुव्वत खो बैठता है वो रिजाइन कर देता है। अब डेविड कैमरॉन को क्या जरूरत पड़ी थी रिजाइन करने की, वो लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीता था इलेक्शन बरतानिया में, लेकिन क्योंकि वो रेफरेंडम हार गया उसको रिजाइन तो नहीं करना चाहिए था, उसने कहा मैं इखलाकी कुव्वत खो बैठा हूँ। अब हमें ये नवाज शरीफ को कैसे बताएं, मेरे ख्याल में उसको मतलब ही नहीं पता इखलाकी कुव्वत क्या होती है, क्योंकि उसने सारा डिक्टेटर की गोद में पला हुआ, उसको सिर्फ डंडे की कुव्वत पता है कि वो डिक्टेटर से भी ज्यादा जुल्म करता है। जो ये इंतकामी कार्रवाई करते हैं ये किसी डिक्टेटर ने की, इसलिए इनको समझ नहीं है कि ये इखलाकी कुव्वत खो बैठा है। इसमें पब्लिक के अंदर जो मैं चैलेंज करता हूँ कि नवाज शरीफ पब्लिक में जरा निकल जाए ना, उसको गो नवाज गो आप देखें, क्योंकि वो पब्लिक लोग तंग आ गए, इससे बच्चे बच्चे को पता चल गया है कि झूठ पे झूठ सारा खानदान बोल रहा है। जब आपके झूठ पकड़े जाए इखलाकी कुव्वत खत्म हो जाती है। अच्छा,
आगे चले जाते हैं। और इसी का सप्लीमेंट है खान साहब, सिर्फ सरदारी भी इस्तीफे की डिमांड कर रहा है गुजरात नवाज शरीफ से, और आप भी, क्या नया कोई सियासी अलायंस बनाने की जरूरत है, आप क्या समझते हैं? देखिए जी, इस वक्त तो आप सारे पाकिस्तानियों से पूछे, वो डिमांड कर रहे हैं इस्तीफे की, तो इसका ये तो एक नेशनल डिमांड आ गई है अब, और इसके अलावा इनके पास रास्ता ही कोई नहीं है। अगर ये नहीं करेंगे, अगर ये इस्तीफा नहीं देगा नवाज शरीफ, तो आखिर में बुरी तरह जाना पड़ेगा, जाना तो अब इसने है। ये तो आप समझ जाएं कि ये नवाज शरीफ अब बच सकता ही नहीं है। एक मिनट, बच क्यों नहीं सकता? फिर से, जब आप पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, पब्लिक ऑफिस, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी पता चल जाए जो आपने डिक्लेयर नहीं की, आपके ऊपर ओनस होता है बताने के लिए कि वो किधर से पैसा आया। सिंपल चीज ये है, ये सबके लिए कानून है, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स। अब नवाज शरीफ की जिम्मेदारी थी बताना, वो नहीं बता सके, जो बताया वो झूठ निकला है, इसलिए या ये खुद इस्तीफा देंगे और या फिर उनको निकाला जाएगा। देखिए मेरी अर्ज से, इस वक्त सवाए वो लोग जो जिनके जमीर खरीदे हुए हैं, पैसा दिया हुआ है जिनको, क्योंकि ये सारे इनका कोई नजरिए पे नहीं है, जो इनका टीवी पे आगे बोल रहा है उसकी शक्ल से आपको पता चल रहा है कि सबको पता है कि पकड़े गए हैं, सबको पता है कि करप्शन में पकड़े गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़े गए हैं, कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स में पकड़े गए हैं, टैक्स इवेजन में पकड़े गए हैं, सबको पता ही है। अब और तो चलें छोड़ें, वो दुबई के बाद क्या रह जाता है कि आप एक दुबई के अंदर आपने डिक्लेयर ही नहीं की थी, चेयरमैन है वो भी जो कंपनी FZE जो कंपनी है, आप उसके मार्केटिंग मैनेजर बन के पैसे ले रहे हैं प्राइम मिनिस्टर होके, तो सबको पता है कि ये पकड़ा गया है। लेकिन जो बोल रहे हैं, या इन्होंने करप्शन का पैसा खाया हुआ है, या उनको डर है कि उसके बाद इनकी बारी आ जाएगी, और या वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको टुकड़े दिए जा रहे हैं। मैं मान ही नहीं सकता, मैं मीडिया के अंदर भी देख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी सारी पाकिस्तान कौम देख रही है, सबको पता है इस वक्त कौन अपने जमीर के मुताबिक चल रहा है और कौन रकम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं उसके साथ चल रहे हैं। ये इनकी अपनी पार्टी के अंदर भी है, इनकी अपनी पार्टी के अंदर अब ऐसे लोग हैं जो अब इसे डिस्टेंस कर रहे हैं, और वो लोग आपके सामने हैं जिनको पता है कि इन्होंने नवाज शरीफ के साथ डूब जाना है, वो बोल रहे हैं। कल पंजाब के वजीर ने इस्तीफा दे दिया जी। अच्छा खान साहब, आदिल शेर अली जो है वो रोजाना आप पर संगीन इल्जाम लगा रहे हैं, उन्होंने आपको कल भी और आज भी करप्शन की पैदावार बना दिया, आपके मरहूम वालिद से मुतलिक ना तो आप तर्दीद कर रहे हैं और ना ही कोई आपका पार्टी तर्जमान जो है वो इल्जाम का जवाब दे रहा है, क्या वजह? मुझे ये बताएं, एक मिनट मुझे ये बताएं कि इससे किसी ने पूछा है कि मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट सर्विस में कब थे? इसको किसी को पता है? किसी ने इससे पूछा है? मेरे वालिद साहब, मैं आप सबके सामने क्लियर कर दूं, मेरे वालिद साहब 1946 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप पे गए इंपीरियल कॉलेज इंग्लैंड में, तब अंग्रेज़ों का राज था, और उस स्कॉलरशिप के साथ था 3 साल इन्होंने गवर्नमेंट सर्विस पे काम करना था। ये वहाँ से वापस आए, तब तक पाकिस्तान बन गया था, 3 साल इन्होंने गवर्नमेंट के लिए काम किया, ये छोड़ना चाहते थे, उसमें तो इंजीनियर्स नहीं थे, 3 साल और काम किया। 1958 में वो छोड़ गए थे और उन्होंने अपनी रिपब्लिक इंजीनियर खोल रही थी। मुझे कोई बता दे कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, यानी कोई आपके पास होगा ये तो पहले बता दे वो गवर्नमेंट सर्विस में थे कब? जी ये सहाफियों के लिए यहाँ की है, क्योंकि कंप्लेन करता था ऊपर जगह नहीं थी, छांव नहीं थी, कुछ कर लेंगे हाँ, लेकिन मैं अब बैलेंस कर लेना, कब उसका भी कर लेंगे, पार्किंग भी कर लेंगे जी। अगर नैब के अंदर केस भेजा है, हम प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई
दोनों भी हो सकते हैं। देखें, प्राइम मिनिस्टर ने तो डिस्क्वालीफाई होना है और प्राइम मिनिस्टर ने अब जद्दे नहीं जाना, अडियाला जाना है, ये सबको पता चल गया है। जो जो चीज़ें सामने आ गई हैं, इनके पास सिवाय अडियाला की अब दूसरा रास्ता है ही कोई नहीं। क्योंकि मैं पीपी कहता हूं कि इनको ECL पे डालें, सारे ख़ानदान को ECL पे डालें। जो जो चीज़ें सामने आई हैं, अब क्या चीज़ रह गई है, अब देखते हैं अदालत में, हम देखते हैं। लेकिन जो चीज़ें सामने आ गई हैं, अगर ये फिर भाग गए तो इसका मतलब यहाँ तो कोई पकड़ा ही नहीं जाएगा। अगर इन्होंने भाग जाना है, अगर इनको इजाज़त दे दी भागने की और ECL पे ना डाला, मुझे ये बताएं कि हजारों और लाखों के चोरी पे हमारे जेल भरे हुए हैं पाकिस्तान में गरीब लोगों के, तो वो बेचारे हजारों और लाखों की चोरी पे जेलों में पड़े हैं, या अरबों की चोरी है, अरबों छोड़ें, अभी तो ये पता है, ये तो अभी आपके सामने आई है, अभी आपको अंदाज़ा ही नहीं कि इनकी बाकी कितनी चोरी है बाहर। और हो सकता है कि वो जो वॉल्यूम 10 अभी जो छुपाया, अभी उन्होंने ओपन नहीं किया, उसमें से अगर चीज़ें निकले, पता नहीं कितनी और चोरी है। तो अगर ये बड़े बड़ों के लिए एक कानून है, वो बेचारे छोटे छोटे चोर, बेरोजगारी में कोई करता भी है छोटी सी चोरी, वो जेलों में सड़ रहे हैं। मेरे ख्याल में इनको ECL में डालना चाहिए सबको। देखिए, मुझे तो इसका भी इल्म नहीं है, लेकिन जो जुर्म होता है, अगर आप उस जुर्म के ऊपर एक्शन नहीं लेते तो वो बढ़ जाता है। तो इंशाल्लाह ये मैं आपको गारंटी करता हूँ कि मैं अभी पता भी चला लूंगा कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। दो साल से ये चल रहा है, ये कमीशन, ये पार्लियामेंट में के अंदर, ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी है, ये दो साल से मिल रही है और ये आखिर में आके अब पता चला है, इलेक्शंस आ रहे हैं और जो मेन, ये जो चार मैंने आपको बातें कही हैं, इसके ऊपर कोई प्रेशर अप नहीं है, इसलिए वॉकआउट किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले वजीर आजम नवाज शरीफ का जिक्र शुरू किया और कहा कि आज उन्होंने बातचीत की है मीडिया से, लेकिन सियालकोट में कंट्रोल लाइन का जिक्र नहीं किया। जिन लोगों को मारा जा रहा है, जिन्हें शहीद किया जा रहा है, उनकी बात तक नहीं की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि पैनमा इंकशाफात के दौरान भी नवाज शरीफ से इस्तीफा मांगा था। वजीर आजम की सारी काबीना करप्शन छुपाने में लगी हुई है। मुल्क में क्या हो रहा है उन्हें फिक्र नहीं है।